सो गाइज़, आज शीरो के लगने वाली है दवाई। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी हम कौन सी इसको दवाई लगा रहे हैं जिससे इसकी जो खुजली है वो कंट्रोल हो रही है थोड़ी थोड़ी करके। तो गाइज़, अभी हमने ना थोड़ी बेल्ट वेल्ट पहना दी है अपने शीरो को ताकि हिले ना ये जब हम इसको दवाई लगाएं। तो अभी इसके बाल वाल हमने कटवा दिए थे, आपने अगर पिछली वीडियो में देखा होगा तो इसके बाल हमने कटवा दिए थे, अब इसके दवाई लगेगी। और बाकी गाइस, ये एक्चुअली हम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है संजय गांधी, यहाँ दिल्ली में पंजाबी बाग में, वहाँ से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी प्राइवेट डॉक्टर से करा रहे थे पहले, पर वो कुछ हुआ नहीं फ़र्क, तो हम अब गवर्नमेंट डॉक्टर से करा रहे हैं। अभी उसने ये लोशन दिया है, वो लोशन लगाना है इसके। तो गाइस, ये ब्लू कलर का लोशन है, तभी हमारा शीरो ऐसा ब्लू ब्लू सा हो रखा है जो आपको इसकी शॉर्ट्स वीडियो में दिखा होगा। तो ये ब्लू कलर का लोशन है जो कि अभी इसके लगेगा, तो अभी आपको दिखाते हैं कैसे इस पे लगाते हैं गाइस हम ये। सो गाइस, ये नीली दवाई है। पहले इस नीली दवाई के बारे में बता दें कि इस दवाई के लगते ही ना अगर बॉडी पार्ट पे लगेगी तो वहाँ पे झंझनाहट सी हो जाती है, सुन्न हो जाती है बॉडी। इसलिए अभी पन्नी वन्नी पहन ली है हाथों में और ये इसके बॉडी पे लगेगा गाइस लोशन। इससे ना खुजली नहीं होगी इसको, फिर तो ये इम्पैक्ट करेगी ये दवाई कि खुजली कम करेगा, सुन कर देगी जब वहाँ पे, तो रेडनेस भी कम होगी। इचिंग एरिया पे इस दवाई को लगाना है, ये ब्लू कलर का लोशन है, इसे यहाँ इचिंग एरिया पे लगाना है गाइस। पन्नी वन्नी ज़रूर पहने, हमारे पास ग्लव्स नहीं थे तो हमने पन्नी वन्नी पहनवा दी अपनी बहन को। पूरे देखो जहाँ जहाँ इसके रेडनेस थी ना, अभी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। इसके 4-5 दिन हो गए ट्रीटमेंट को और थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है। चाट देता है यार एक तो शीरो। नो नो बेटा शीरो। तो गाइस, ये ऐसे मसलना है इचिंग वाले एरिया पे या जहाँ पे भी रेडनेस हो रही है वहाँ पे ये मसल रहे ताकि सुन हो जाए और थोड़ा इसको सेंसेशन जो है इसकी कम हो। ये कुप्पी लगाता हूँ गाइस अभी मैंने इसके शीरो के, ताकि ये चाटे वाटे ना, पर फिर भी चाट देता है। पर देखते हैं गाइस एक बार बांध के इसके शीरो चैन। गाइस अभी ना शीरो के हमने कुप्पी भी बांध दी है ताकि चाटे ना दवाई जब तक इसके लग रही है, पर फिर भी ये बच्चा हमारा चाट देता है। इसका मुंह इतना बड़ा है कि कुप्पी में से बाहर आ जाता है अपना। शीरो कैसा लग रहा है, ब्लू हो गया गाइस, होली खेल ली है शीरो ने। सीरियस बड़ा, एक तो हमारा बच्चा बड़ा प्यारा है, इसको ना दवाई खाने में नखरे नहीं करता और दवाई लगनवाने में भी नखरे नहीं करता, ना नहाने में नखरे करता है, किसी चीज में नखरे नहीं करता भाई। इंजेक्शन भी बड़े प्यार से लगवाता है। गाइस इसकी मुंडी देखो, बिल्कुल खड़ी कर रखी है क्योंकि इसकी गर्दन पे फंस रही है मेरे ख्याल से ना अंजलि। अभी नहीं चाटेगा मेरे हिसाब से, नहीं चाट पाएगा। अरे पूरी बाहर आ गई गाइस, इसकी मुंडी पूरी बाहर आ चुकी है चाटने के लिए, चाट सकता है। तो ये देखो पूरी नीली नीली दवाई लगा दी है इसके जो पीछे के एरिया में ज्यादा हो रहा था, जो कि आपने पिछली वीडियो में देखा था जिसमें हमने इसके ये शेव करवाए थे बाल, ठीक है, कटिंग करवाई थी, उसमें आपको दिखाई थी मैंने कि कितनी रेडनेस हो रही है और यहाँ यहाँ पे जख्म वखम भी बन गए थे उसी वजह से। तो वो सब गाइस उसी एरिया पे लगाना है। वन पार्ट हो चुका है, अब सेकंड पार्ट पे लगाते हैं। यहाँ पे शीरो का दोस्त भी आ गया हमारा, ये शीरो का दोस्त है इसके सारे एरियाज में लगाना पड़ेगा ये। इसके मल्टी वाइटामिन भी चल रहे गाइस, और आज सेफालिक्सिन 300 दिया डॉक्टर ने, ठीक है। बाकी एंटी इचिंग कीटोकोनाजोल शैम्पू दिया जो कि एंटी फंगल शैम्पू है ताकि इसको फंगल इन्फेक्शन ना रहे, और सेफालिक्सिन 300 जो है एंटीबायोटिक दवाई है। तो गाइस इसके जो ये अभी के घाव वगैरह जख्म वगैरह बने हुए हैं और जो है पहले से बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो कम होगा इसका उससे। देख रहे हो गाइस कैसे लगवाता है हमारा बच्चा दवाई। ये कुप्पी बांधने का फायदा हुआ है? कुछ नहीं हुआ। गाइस दवाई लग चुकी है शीरो के, और अभी थोड़ी सी इसको ना जलन सी हो रही होगी इसलिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो रहा है। पर देखो ये जरूरी है, अगर ये नहीं लगेगी ना दवाई तो इसके जल्दी ठीक नहीं होगा। और नीला हो गया अभी इसका नीला रंग, तो मेरे ख्याल से पता नहीं कब जाके उतरेगा गाइस, कितने दिन में जाके उतरेगा पता नहीं। कितना प्यारा लग रहा है शीरो तू।
चलो ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हमारे शीरो चैन का, तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और चैनल से बने रहना है। फिर मिलेंगे, इसके ट्रीटमेंट का सफ़र देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद गाइस।